एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है उससे हर कोई सन्न है, हर कोई हैरान है। देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र का बड़ा खुलासा भी आपको हम दिखाते हैं। आरजीकेएच में हमेशा से सत्ताधारी दल का दखल रहा के ये कहना है उनका, और साथ ही प्रिंसिपल संदीप घोष भ्रष्टाचार कर रहे थे, परीक्षा पास करवाने के लिए वसूली करते थे, ये भी बात सामने आई जो एक छात्र ने खुलासा किया। आवाज उठाने वाले को फेल कर दिया जाता था, जो भी संदीप घोष के खिलाफ आवाज उठाता था उसको फेल कर दिया जाता था, ये भी खुलासा किया गया। ट्रेनिंग के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, ये भी खुलासा छात्र के द्वारा किया गया। अब सीधे आपको कृष्णा ठाकुर के पास लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कृष्णा, जो खुलासा एबीपी न्यूज ने किया उसके बाद से देश भर में इसकी गूंज, चर्चा, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, और इस खुलासे में ये तो साफ हुआ कि पूरा नेक्सस आरजीकर हॉस्पिटल में काम कर रहा था, एक भ्रष्ट तंत्र वहां पर काम कर रहा था संदीप घोष का, और सत्ता का संरक्षण उसको हासिल था। अब किस तरीके से वहां से रिएक्शंस सामने आ रहे हैं कृष्णा? बिल्कुल दीपा, जिस तरीके से ऑपरेशन आरजीकर एबीपी न्यूज ने किया उसकी गूंज पूरी देश भर में है। लगातार चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, या डॉक्टर फर्टिनिटी के लोग हो, वो लगातार इस बात की सराहना कर रहे हैं कि एबीपी न्यूज ने जो किया उसे बहुत पहले करना चाहिए था, और जब इस तरीके का काम एबीपी न्यूज ने किया है तो आगे चल के ये सीबीआई के लिए और कोर्ट के लिए भी एक अच्छी केस स्टडी साबित हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुनीता दुबे मौजूद हैं जो कि मेडस्केप इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। डॉक्टर सुनीता, आपने भी जो है वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है, क्या कुछ आप कहेंगी? जो पूर्व प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, उनको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और ये कहा गया है कि वो कई तरीके के अवैध जो है वो कारोबार किया करते थे, साथ ही साथ बच्चों को डरा कर रखने की कोशिश, अगर कोई उनके विरोध में गया तो उनको फेल कर दिया जाना, या जो पूरा ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इसको सुसाइड दिखाया जाए। स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? आज पूरा देश इस केस के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है, क्योंकि चाहे वो महाराष्ट्र का हो या फिर दिल्ली का हो या फिर किसी भी स्टेट का, चाहे बेंगलोर का है, कहीं भी रेप और असॉल्ट या किसी भी तरीके का, चाहे वो डॉक्टर हो नॉन डॉक्टर, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण ही है। ये बहुत ही दर्द की बात है, और इस पर्टिकुलर जिसमें आपने आप लोगों ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है वो डेफिनेटली जो सीबीआई इन्वॉल्व्ड है उन्हें हेल्प होगा। और ये हमें पता चलता है कि जिस तरह से चीज़ें हर बार एक परत हर परत लेयर टू लेयर जो बाहर आ रही है उसमें हर बार एक ज़्यादा चौंकाने की बातें आ रही है, लेकिन हमें एट द एंड एज अ डॉक्टर ये सोचना है कि ये आगे ना हो। और जिस तरह से पूरी मेडिकल फर्टर्निटी प्रिवेंशन ऑफ डॉक्टर के असॉल्ट के ऊपर काम कर रही है वो एक सीरियस तरीके से लिया जाए, क्योंकि आज देश उस लड़की को ही नहीं खोया, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत ने खोया है, क्योंकि वो जब डॉक्टर बनती थी अपने घर को देखती थी, अपने एरिया को सर्व करती थी, अपने देश को सर्व करती थी, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ उस लड़की के साथ। डॉक्टर सुनीता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, खास तौर पे जो पूर्व प्रिंसिपल हैं जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है, आपको लगता था कि किसी मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा नेक्सस किसी प्रिंसिपल का होगा, इतना दबदबा होगा, जहाँ पर बच्चों को डरा कर रखा जाएगा, प्रोफेसर्स को डरा के रखा जाएगा, इतनी भयावहता जो है किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर हो सकती है, कभी लगा था? एज अ डॉक्टर और मेडिकल फर्टिलिटी ये सबके लिए चौंकाने की बात है कि इस तरह की स्टिंग चल रही थी, और डेफिनेटली हमें श्योर है कि अगर ये इसकी बात जो भी आप बोल रहे हैं ऑथेंटिक और सीबीआई भी सप्रूव करती है, डेफिनेटली कोई पनिशमेंट ऐसा होगा जो आगे आने वाले समय में कोई ना कर पाए। और इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है कि आप एक विश्वास के साथ अपने बच्चे को कॉलेज में भेजते हो जहाँ पर ना उसकी सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना एक रैकेट भी चल रहा हो, स्कैम में वो पूरा कॉलेज इन्वॉल्व हो, और हर बच्चा वहाँ पे असुरक्षित होगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मोरली भी सही नहीं है। और ये जिस तरह से चीज़ें लगातार लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, लगातार चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से पूरी देश के डॉक्टर इसके उस केस में लगे हुए हैं कि ताकि उस डॉक्टर के साथ जस्टिस हो सके, अपने आप में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, चाहे ये एक तरह का देखा जाए, मुझे लग रहा है कि पूरे ईश्वर भी चाहता है कि इस तरह की चीज़ें
न हो, जब हम बिल का काम कर रहे हैं, तो एक तरह का ये उभार के ला रहा है कितनी सिचुएशन मेडिकल कम्युनिटी की ऑन सेफ्टी बुरी है, जो हमें काम करनी चाहिए उसके ऊपर। तो देखिए दीपा, ये डॉक्टर थे जो बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन के बाद चौंकाने वाले जो हैं वो खुलासे हुए हैं, और निश्चित तौर पर इसके बाद जो मेजर सिक्योरिटी को लेके जो कंसर्न है वो और भी जो है इन डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है, और इसीलिए ये कह रही हैं कि जो स्टिंग ऑपरेशन है वो सराहनीय है। देखिए देश भर के डॉक्टर्स ने इस स्टिंग ऑपरेशन को देखा के, देश भर के डॉक्टर्स ने इसको देखा के, सराहा के, और उम्मीद जाहिर की है कि कोलकाता की बेटी को इंसाफ मिलेगा, और जो राजदार हैं, जो गुनहगार हैं, वो बाहर निकल करके आएंगे, वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। देखिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की तफ्तीश बताती है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ, जिसने भी जुबान खोली, जिसने उसकी करतूतों का विरोध करने की कोशिश की, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।